तो आज हम आपके बीच आए हैं एक सबसे बड़ा खुलासा करने के लिए। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा लिकावली की टाउनशिप रोड के बारे में, तो उसके बारे में एक काला सच है जिसका खुलासा मैं आज करने जा रहा हूँ आज के आपके प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ऑल दी थैंक्स वेरी मच टू दी मीडिया हाउस। तो बात यह है कि लिकावली टाउनशिप ग्रोथ प्रोजेक्ट विक्टिम ग्रुप के तौर से आए हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये मैटर है एफआईआर का। हम लोगों ने एसआईसी में एक एफआईआर दिया है अगेंस्ट एमएलए सोन, लिकावली एमएलए का बेटा का अगेंस्ट में हमने एक एफआईआर दिया है, और उस एफआईआर को कॉपी आप लोग को भी प्रोवाइड करा गया है। तो ये एफआईआर में हमने एक काला सच को सामने रखा है गवर्नमेंट की नजर में आने के लिए। तो ये काला सच कुछ नहीं है जो अरुणाचल प्रदेश में सभी सोचते हैं कि इट्स बीन लाइक ए कल्चर, नाउ कल्चर जैसे बन गया है जिसको घूस बोलते हैं। बहुत सा नाम है उसका, कोई कोई घूस बोलता है, कोई कोई ये ब्राइब बोलता है, कोई कोई परसेंटेज बोलता है। यहाँ पे बहुत ही सौंदर्य तरीका से हम लोगों का इंजीनियर दी देन असिस्टेंट इंजीनियर दोगन इग्योर सोन ऑफ एमएलए कार्दोनिग्योर, उसने बहुत ही सुंदर तरीका से इसका एक पैटर्न बना के रखा है। सिंस अ डेकेड ही हैज बीन सर्विंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी लिकाबली डिवीजन, गेंसी लिकाबली डिवीजन। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट इंसेंटिव का नाम है द कोड वर्ड ऑफ ब्राइब। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये घूस का एक कोड वर्ड है डिपार्टमेंट इंसेंटिव। डिपार्टमेंट इंसेंटिव का नाम में वो पिछले 7-8 साल से वहां लिकावली को लूट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे विक्टिम है, तो ये लिकावली टाउनशिप रोड नेसिद के अंदर में है। ये 10 करोड़ का लागत में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया गया था लिकावली टाउनशिप का एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसमें मैं और मेरा टीम जस्ट एक छोटा सा पेटी कॉन्ट्रेक्टर था। हमें वहाँ से आउट ऑफ डेट एक छोटा सा अमाउंट का एक स्ट्रेच का काम करने मिला था। तो हमने अपने काम बखूबी से किया है, पूरा कंप्लीट किया है, और उसका पुष्टि किया है वहाँ का डिपार्टमेंट एससी लेवल तक आके वहाँ का पूरा कंप्लीशन दिया है, हमारा काम का सेटिस्फैक्टरी बताया है। एंड देन जब बात आ जाता है आप काम करता है, काम के बाद आप उसको पेमेंट मिलता है, तो यहाँ पे जब पैसा का बात आया था, जब पेमेंट की बात आया था, देन आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यहाँ मैं जब पेमेंट लेने जा रहा है, आप लोग काम करता है, एक बंदा कॉन्ट्रेक्टर काम करता है, इसके बाद जब अपना हक का पैसा जब लेने जाता है, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट इंसेंटिव का नाम में कुछ पैसा डिमांड करता है। तो वी वर सरप्राइज कि ये किस चीज का डिमांड है, ये डिपार्टमेंट इंसेंटिव आखिर क्या है। तो ये चीज जानने के लिए मैंने उन लोगों से जब बात किया है, तो उसने बोला है कि आपका जो जेन्यून डिडक्शन है, जीएसटी है, आपका जो भी रॉयल्टी है, इसका लेबर सेस है, जो भी कुछ जेन्यून डिडक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट्स, तो सारा टैक्सेशन को चोर के फिर एक वो लोग का अपना बने बनाया एक डिडक्शन है, वो है डिपार्टमेंट इंसेंटिव। इन शॉर्ट फॉर्म ये है घूस, ये है ब्राइब। तो इस काम का मेरे काम का अगेंस्ट में भी उसने मांगा था। हालांकि द बोर्ड इंजीनियर्स दी देन ए असिस्टेंट इंजीनियर दोगन निग्योर एंड हिज वाइफ जो कि उसमें
जेई के रूप में काम कर रहा है, श्रीमती कार्पी निगोर्गेई। तो वो दोनों एक बेड के पिछले कुछ साल से वही काम कर रहा है। तो मैंने पूछा, आई वॉज वेरी फेमिलियर टू देम, उन लोगों को भी मुझे अच्छे से पता है। तो एज अ लोकल मैंने उसको बहुत बार परसू किया, मैंने उनका घर गया है, उनको बोला है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी मैंने कई दफा उसको प्लीज किया है कि देखिए ये काम जो इसमें अपना कुछ ज्यादा लाभ नहीं, हम लोग का टीम जो ऑलरेडी वी आर इन लॉस, तो इसमें आप डिपार्टमेंट इंसेंटिव को हमें नहीं तो अपने से, ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट इंसेंटिव का, इसका तो एक लॉजिकल भी नहीं बनता है डिपार्टमेंट इंसेंटिव लेने का, फिर भी आप लोग का अगर सिस्टम है भी तो फॉर गॉड सेक छोड़ दीजिए। तो उसने क्या किया है, वहां पे मुझे स्पेशली आई वॉज इन्वॉल्व, आई वॉज द पर्सन हु वॉज एग्जीक्यूटिंग द वर्क, तो बिल का चक्कर में मुझे कभी गेंसी 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 डिवीजन में है, पीडब्ल्यूडी डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गेंसी में बैठता है, तो गेंसी एक लिकावली से 60 किलोमीटर का लगभग दूरी पे है, और एंड दी रोड इज आप लोग को पता है कि इट्स इट्स अ रोड टू हेल वे हेल, इस तरह का रास्ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक आदमी एक बंदा जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वापस आना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, और नेटवर्क भी नहीं है, हाल फिलहाल में आ गया होगा बट देन नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना, कभी मुझे एमबी बुक के लिए वहाँ भेजता है, तो कभी बोलता है ईटानगर में है, तो कभी बोलता है कि एक उसका ये असिस्टेंट लोग का पास में है ऑफिस में, तो घुमा घुमा के मुझे डिपार्टमेंट इंसेंटिव का देने का, जो वो लोग मजबूरी में, तो घुमा घुमा के मुझे इतना टॉर्चर किया, मेंटली हरास किया, फिजिकली मुझे इतना टॉर्चर किया, एंड देन मैंने उसको काफ़ी बार बताया कि आई एम इन डेप्थ, जो भी हम लोगों ने इसमें काम में जितना काम करने के लिए जो भी कुछ पैसा लगाया है वो अपना तोरा है, और ज़्यादातर मार्केट से पैसा उठाया वाला है, क्रेडिट में उठाया वाला है, रिश्तेदार से लिया वाला है, तो उसका भी एक लिमिट होता है, और पैसा किसी से लिया है तो उसे लौटाना पड़ता है, एक टाइम फ्रेम होता है, तो उस डेडलाइन के अंदर में उसको पैसा नहीं लौटाने से, तो अगर चाहे अपना जितना भी क्लोज हो प्रेशराइज करना शुरू हो जाता है, तो इतना ज्यादा प्रेशर था मुझे, इतना ज्यादा प्रेशर, तो लाइक रात को भी सो नहीं पाता, ऐसे टॉर्चर किया है, ऐसे प्रेशराइज किया, देन आई फाइनली डिसाइड ठीक है आप लोगों को डिपार्टमेंट इंसेंटिव दे देगा, आप लोग का जो घूस है उसको दे देगा, बट देन दिस थिंग हैज टू बी एक्सपोज, ये एक्सपोज होना जरूरी है, ये एक्सपोज होना इसलिए जरूरी है कि इट्स बीन लाइक ए कल्चर, अरुणाचल में ये कल्चर जैसे हो गया है, हम लोग सोचते हैं घूस लेना है, काम करता है तो घूस, तो ये कॉमन चीज है, ये कल्चर जैसे हो गया, तो इस कल्चर को हम लोग बंद करना है। ये कल्चर हम लोग बंद इसलिए करना है कि ये अभी कल्चर से लेके हम लोग का डीएनए में घुसने जा रहे हैं, तो सब स्पेशली इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में नॉट ऑल द इंजीनियर्स, खराब मत पाइए, सभी इंजीनियर्स को नहीं बोल रहा है, मोस्ट इंजीनियर डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि परसेंटेज 6% 12%, और मेरा यहाँ डिपार्टमेंट इंसेंटिव में तो 12% लिया गया, आफ्टर ऑल डिडक्शन 12% लेता है, 12% विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन 12% लिया गया, तो ये एक कल्चर जैसे हो गया है, ये मैं लिकावली का बात कर रहा हूँ, लिकावली पीडब्ल्यूडी डिवीजन का बात कर रहा हूँ, बट देन ये प्रैक्टिस सारा अरुणाचल में ऑलमोस्ट लगभग लगभग है, तो ये चीज को बंद करना जरूरी है, ये आज का ये एक रिवोल्यूशन है, तो मुझे लगता है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस का अगेंस्ट में एक रिवोल्यूशन है, तो ये रिवोल्यूशन से बेहतर इसको रिफॉर्मेशन में लाने से ज्यादा बेहतर है, विद इन विद इन सेल्फ अपने अंदर में एक रिफॉर्मेशन लाना है, जैसे आज मैं आपके सामने आ रहा हूं, मैंने काम किया है, मुझे छोटा सा काम मिला है,
उस काम का मैंने एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन करके मुझे जब पैसा का लेने का बिल का बारी आया, मुझे डिपार्टमेंट इंसेंटिव के नाम में घूस मांगा गया, तो उस घूस को मैंने नहीं देने के लिए बहुत कोशिश किया, बट देन उन लोगों को ना ही कानून का कोई डर है, ना ही CPW नॉर्म्स का कुछ ये रूल्स फॉलो करता है, रूल्स फॉलो करता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का कुछ रूल्स फॉलो करता है, कोई कानून प्रक्रिया का कोई डर नहीं उन लोगों को। तो फाइनली मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया है, ये जो डिपार्टमेंट इंसेंटिव वो बोल रहे हैं वो हम देंगे, बट दैट शुड बी केप्ट इन रिकॉर्ड। तो एवरी रिकॉर्ड, एवरी सिंगल रिकॉर्ड ड्यूरिंग हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग, उसका जो भी रिकॉर्ड था वो हमने कलेक्ट करके रखा है। वी हैव वीडियो एविडेंस, वी हैव ऑडियो एविडेंस, वी हैव फोटोग्राफिक एविडेंस, सारा एविडेंस हमारे पास में है, और ये सारा एविडेंस को लेके सॉरी सारा एविडेंस को लेके हमने SIC में FIR कंप्लेंट किया है, FIR दर्ज किया है, और जनवरी के 15 तारीख को हमने SIC में FIR दर्ज किया है। आप लोगों को FIR का कॉपी भी दे दिया है, आप लोग के पास में अवेलेबल होंगे, वो कॉपी भी देख लीजिएगा, FIR का कॉपी होंगे आपके पास में। तो FIR सीधा सा FIR इसमें है कि हम लोगों ने कंप्लेन अगेंस्ट किया, दोगन इंजीनियर डीड एन असिस्टेंट इंजीनियर सब डिविजन लिखावली का अगेंस्ट में दिया है, और सारा डिटेल FIR में लिख दिया है, उसका कॉपी आप लोग को दिया है, और वहाँ हम लोग ने SIC में भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। हमने मित्तल साहब को मिला है, आनंद मित्तल जी अभी जो SP है, IFS ऑफिसर जो SIC में है, तो इसके बाद में उनको मिलके हमने सारा बात बताया है, और हमने ये भी बोला कि उनके हमारे पास में फर्स्ट हैंड एविडेंस है, तो स्टिंग ऑपरेशन हमने जो कलेक्ट किया है सारा एविडेंस आपको जमा करके रख दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो उनसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और विश्वास करता है, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है ये केस जो, तो काफ़ी जल्दी जल्दी इसका अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है, काफ़ी जल्द ही दुनिया को पता लगने जा रहा है कि एक करप्ट ऑफिसर कानून की नज़र से नहीं बच सकता है, चाहे वो MLA का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री का बेटा क्यों ना हो, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, वो जो करप्शन करता है वो कानून के हाथ से एक ना एक दिन पकड़ना ही है। तो इन लोगों का प्रैक्टिस पिछले 6-7 साल से है, इसके लिए उनके अंदर में डर और खौफ नाम का कुछ चीज नहीं था, बट देन मुझे विश्वास है कानून प्रक्रिया में, मुझे विश्वास है इस सरकार में। तो हमने सेम डे को चीफ सेक्रेटरी को भी मिला है, चीफ सेक्रेटरी को जाके हमने भी हमें पूरा बात बताया चीफ सेक्रेटरी को भी, द सेम डे वी वेंट टू चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो, ये इसका नॉलेज चीफ सेक्रेटरी लेवल तक है सारा चीज़। इसके बाद में आज आपके माध्यम से मैं अपनी डायनेमिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी से भी ये गुजारिश करना चाहेगा कि आपका जो नारा है जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, आपका जो सरकार जीरो टॉलरेंस इन करप्शन बोलता है, उसका काफ़ी रिजल्ट हम लोगों ने देखा है, APCS केस में हो या टीचर्स केस में हो, सब केस में हमने रिजल्ट देखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो इस केस में भी ये चाहे MLA लिकावली MLA का बेटा क्यों ना हो, हमें पूरे उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप क्रिमिनल को क्रिमिनल की नज़र से ही देखेगा, तो शायद आपका लेवल तक भी, आपके टेबल तक भी ये इसका अप्रूवल के लिए जो कागज़ गया होगा गवर्नमेंट लेवल में, जो ऑफिसर्स लोग का जो अप्रूवल होता है FIR के लिए,
तो वो शायद गया होगा, आपने देखा होगा। तो सर इस केस को एक एग्जम्पलनरी पनिशमेंट की तौर से एक उदाहरण की तौर से आप इस केस को इसका रिजल्ट दीजिएगा, ये पूरा उम्मीद है हमें। और इसके बाद जितने भी कानून है, जितने भी SIC की टीम होगा इसको इस केस को लेके, इस केस में ऑलरेडी हमने काफी सारा एविडेंस दे के रखा हुआ है, तो आपको इसमें ज्यादा काम करने में भी इतना तकलीफ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है ये केस जल्द ही रिजल्ट लेके आएगा। और मैं और एक बार अपील करना चाहेगा कि पूरा अरुणाचल वासियों को, आज हम लोग ने आया है यहाँ पे एज ए व्हिसल ब्लोअर, हम लोगों ने सीटी बजा दिया है, विपुल बजा दिया है इस करप्शन के अगेंस्ट में। ज्यादातर क्या होता है कि हमें भी मौका मिला था, हम भी अपना केस को अपना इसको आगे नहीं बढ़ा के रफा दफा कर सकता था, तो हमने कानून का रास्ता चुना है। और मैंने अपना पैसा भी पूरा वापस नहीं लिया, जितना भी बिल अमाउंट था, लेट यू नो दैट जितना भी बिल अमाउंट था वो बिल अमाउंट हमने कलेक्ट नहीं किया, उसके लिए मनी सूट फाइल करके हम लोग में ऑनरेबल कोर्ट CGM में रखा हुआ है। तो उसको भी हम लोग, जो जितना भी हम लोगों का जो मिलना है, जो जेन्यून हम लोग को मिलना है, वो हम कानून की तरफ से कोर्ट की तरफ से लीगली हम लोग उसको अवेल करेगा, ना कि घूस दे के ना कि ब्राइब दे के हम लोग अवेल करेगा। तो इसके बाद में जो ब्राइब तो उसके हाथ में हैंड ओवर किया है टू स्टाब्लिश दी करप्शन, तो उसका इवन केस में दिया है। इसके बाद बैंक डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन में भी उसको दिया गया है, सारा चीज आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। तो इस करप्शन को, इस प्रैक्टिस को, ये कल्चर जैसे बन गया, आई एम रिपीटिंग, ये कल्चर जैसे बन गया है, इस कल्चर को हम लोगों को रोकना जरूरी है। समडे समवेयर एट सम पॉइंट वी हैव टू स्टॉप दिस। जैसे कि हमारा चीफ मिनिस्टर जी भी बोलते हैं, ये एक डिपार्टमेंट में एक खून में घुस गया जैसे है, तो इसको इरेडिकेट करना इतना आसान नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है। तो सभी को सामने आना है इसको, आज जैसे हम लोगों ने सामने आया है, हमने घुस दे के चुपचाप से रहना, रहने से बेहतर हम लोगों ने एक्सपोज करना ज्यादा अच्छा समझा। इससे मेरा इंजीनियरिंग्स में रिलेशन जरूर खराब हो जाएगा, आज मेरा जो रिलेशन है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में खराब हो जाएगा। मैं घूस नहीं देता हूँ ये करके, मैं एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ, एक कॉन्ट्रेक्टर के रूप में मेरा करियर इस मेरा लाइफ टाइम में नहीं चल सकता है, बट देन फॉर द कमिंग जनरेशन किसी ना किसी को सामने आना ही था, किसी ने, आज मैं नहीं करता तो कल कोई और आना था, तो बदन ये चीज को खत्म करना बहुत जरूरी था। ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आपका सामने आया है, मीडिया हाउस को बोलता है पोर्टफिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आज सच में हम लोग आज फिजिकली CM के पास में नहीं पहुंच सकने से भी आपके माध्यम से थ्रू दिस पोर्टफिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम अपने आवाज रख सकते हैं, अपने आवाज पूरा जनता तक रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अवेयरनेस है कि जनता को और जितना भी कॉन्ट्रेक्टर्स है, अरुणाचल के कॉन्ट्रेक्टर्स को स्पेशली, और मेरा अपील नाबम अकिन जी से भी रहेगा, कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है, तो उनसे भी रहेगा कि आप लोग भी काफी मेहनत करता है, काफी आवाज उठाता है कॉन्ट्रेक्टर का फेवर में, कॉन्ट्रेक्टर को जितना भी डिप्राइव होता है आप लोग आवाज उठाता है हमेशा। तो इस मुद्दा को भी आप लोग जरूर गौर कीजिएगा, ये परसेंटेज लेना जरूर बंद करना है, घूस लेना जरूर बंद करना है, ब्राइब लेना जरूर बंद करना है, चाहे उसका नाम आप डिपार्टमेंट इंसेंटिव में दो, चाहे उसको चाय पानी का खर्चा में बोलो, चाहे कुछ भी नाम देके बोलो, ये बंद होना बहुत जरूरी है।